हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त जीएसएम नितिन बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि विंडो का ड्राइवर का इशू कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, हम तरह तरह के विंडो में ड्राइवर डालते हैं, तो उससे ड्राइवर आपस में कंजक्शन होकर ड्राइवर का इशू आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ड्राइवर को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा डिवाइस मैनेजर है, तो यहाँ पर कोई भी ड्राइवर पर येलो आइकन आने लगता है, तो वो ड्राइवर हमारा दिखाता तो है लेकिन काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम विंडो को विंडो का जो सिग्नेचर होता है उसको हमें डिसेबल करना होता है, जिससे कि जो ड्राइवर प्रॉपर वर्क करने लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो शिफ्ट का जो बटन होता है शिफ्ट कीबोर्ड के अंदर, और रिस्टार्ट। ठीक है, शिफ्ट का बटन रेगुलर दबाना है और रिस्टार्ट कर देना है। और शिफ्ट का बटन तब तक हमें दबाना है जब तक कि विंडो ऑन नहीं होने लगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल करने के ऑप्शन आते हैं। और एक ही है दोस्तों, स्क्रिप्ट है, इसे कुछ नहीं करना है। इस पर डबल क्लिक करके इस पर स्पेस की प्रेस कर देना है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा और ड्राइवर सिग्नेचर मोड पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, एक बार और समझा रहा हूँ कि शिफ्ट का बटन दबाकर रिस्टार्ट पे क्लिक करना है, और शिफ्ट का बटन तब तक दबाए रखना है जब तक कि हमारे विंडो ऑन नहीं होया। तो अब भी हमें शिफ्ट का बटन रेगुलर दबाए रखना है दोस्तों। तो अब जैसे विंडो इस तरीके से ओपन होगी हमारी, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो आप ऑप्शन को केयरफुली देखिएगा, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ट्रैवल शूट पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें स्टार्टअप सेटिंग पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमें रीस्टार्ट कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए दोस्तों वेट कर लीजिए, सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल कट की हुई नहीं है, जो नॉर्मली मोबाइल से बनाते हैं या कैमरे से बनाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ली गई है कि कोई भी इसमें ऑप्शन आपके लिए छूट ना जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शन आ गए हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ऑप्शन है। तो जो भी ऑप्शन हमें प्रेस करना है, तो F की जो होती है, F की, जैसे F1 F2 F3, तो यहाँ पर 1 2 3 की जगह F1 F2 F3 यूज़ करेंगे। तो ड्राइवर सिग्नेचर और डिसेबल का जो ऑप्शन है 7 है, तो यहाँ पर F7 की दबाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, F7 की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट, यानी 7 नंबर का जो ऑप्शन है, तो हमें F और 7 नहीं दबाना, प्रॉपर F7, जो एक सिंगल की होती है F7 की, उसे प्रेस करना है। तो ये हमारा ड्राइवर सिग्नेचर जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरीके के जो बेस्ट कंटेंट है उनको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।